हे गाइस, तो कैसे आप सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं डाइजेशन, ठीक है, यानी कि पाचन तंत्र के बारे में। कल की वीडियो में मैंने बता दिया था पाचन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है और दांत किसे कहते हैं, दांत का क्या, बहुत सारे दांतों के बारे में बता दिया था मैंने। कुछ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट होते हैं जो एग्जाम में फिर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि हम आज देखेंगे दांत के प्रकार के बारे में और दांत सूत्र के बारे में। तो आई होप कि आपको कल की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए होंगे। तो बात करते हैं दांत के प्रकार के, ठीक है। दांत के प्रकार मैंने बताया कि दांत चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, इंसिजन, कैनाई, प्री मोलर एंड मोलर। आपको ये क्रम से याद रखना है, क्रम से याद रखोगे ज्यादा बेहतर रहेगा दांत सूत्र याद करने में, दंत सूत्र याद करने में। क्या कह रहे हैं? कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कृंतक क्या होता है? कृंतक जो होता है ना, इसको इंग्लिश में हम इंसिजर बोलते हैं। आपके सामने वाले जो ऊपर चार और नीचे चार जो चौड़े दांत है ना, उसी को हम कृंतक बोलते हैं। क्या कहते हैं? जो आपका अगर माउथ है, मान लीजिए कि ये माउथ है, इस तरह हम लोग माउथ की बात करते हैं, तो ऊपर आपको यहाँ पे चार चौड़े हुए दांत दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो उसको हम कृंतक बोलते हैं। ये चार ऊपर होते हैं और चार नीचे के साइड होते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कृंतक बोलेंगे। ये काम क्या करते हैं? ये काटने में सहायक होते हैं। क्या करने में? काटने में। किसी भी चीज़ को काटना होता है तो ये आगे वाले दांत ही हेल्प करते हैं किसी चीज़ को काटने में। चूहों में यही दांत बहुत ही तेज धारी वाले होते हैं, जिसके कारण सभी चीज़ों को क्या कर देते हैं? काट देते हैं। तो कृंतक क्या काम करता है? काटने में कार्य करता है। कितने होते हैं? चार ऊपर चार नीचे, तो टोटल कितने हो गए? आठ होते हैं। मैंने देखे लिखा है 4 × 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, क्योंकि ये चार ऊपर वाले जबड़े में और चार नीचे होते हैं, काटने में सहायक होता है, ठीक है, कृंतक होते हैं। रदनक की बात करूं तो रदनक को हम इंग्लिश में कैनाई बोलते हैं। रदनक जो होता है, जो चौड़े वाले दांत है ना, उनके ही बगल में आप देखेंगे कि नुकीले नुकीले दांत दिख रहे होंगे, नुकीले दांत, ये इन दांतों को ही हम बोलते हैं रदनक। जो ड्रैकुला वाले दांत होते हैं ना, उसी को तो हम रदनक बोलते हैं। ये क्या काम करते हैं? देखिए, ये एक जब मतलब ऊपर जो होते हैं, दो होते हैं, दो नीचे होते हैं, टोटल इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। यहाँ पे मैंने लिखा, देखिए, दो ऊपर है, दो से नीचे में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। टोटल कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। रदनक का काम क्या होता है? फाड़ने में। किसी भी चीज़ को आपको फाड़ना है, चाहे गन्ना खाते वक्त आप फाड़ते हो गन्ने को, या फिर मांस वगैरह खाने में जब घिसते हैं, ये एनिमल्स में ज़्यादा तेज धारी में पाए जाते हैं, जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनमें। तो ये क्या कर रहा है? रदनक जो होता है ना, फाड़ने में, किसी भी चीज़ को फाड़ने में क्या करता है? सहायक होता है। इसकी संख्या कितनी होती है? टोटल 4 होती है, ठीक है। अग्रचवर्णक, इन दांतों के पीछे, इन्हीं दांतों, किन दांतों के? रदनक के पीछे क्या होता है? इसकी संख्या होती है, कितनी होती है? ये भी जो होता है ना, एक तरफ इधर 2 और 2 इधर, यानी कि 4 इधर, तो 2 इधर और 2 इधर, तो टोटल ये भी कितने होते हैं? 4 होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, तो टोटल इनकी संख्या भी कितनी होती है? 8 होती है, ठीक है। देखिए, आप अपने माउथ को ऐसे डिवाइड कर लोगे ना, ऐसे, तो 1, 2, 3, 4 हिस्सा बनता है हमारे माउथ का, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा? कृंतक देखा, जिसकी टोटल संख्या कितनी है? 8 है, 4 ऊपर है और 4 नीचे है। रदनक की संख्या कितनी है? 2 ऊपर है, 2 नीचे है, यानी कि इसकी टोटल संख्या 4 है। कृंतक की कितनी है? 8 है। रदनक की कितनी है? 4 है, ठीक है। अग्रचवर्णक की बात कर रही हूँ मैं। अग्रचवर्णक किसी भी चीज़ को पीसने में, चबाने में हेल्प करता है, जिसे हम इंग्लिश में प्री मोलर कहते हैं। इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या भी 8 होती है, 4 ऊपर होंगे, 4 नीचे होंगे, ठीक है। चवर्णक, चवर्णक क्या होते हैं? इसको हम मोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलर बोलते हैं। ये इन दांतों का भी कार्य जो होता है, चबाने और पीसने में सहायक होता है, लेकिन इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी टोटल संख्या 12 होती है। 6 ऊपर होती है, 3 इधर 3 इधर, 6 ऊपर और 6 कहाँ होती है? नीचे साइड में। तो टोटल हो गया ना 12, यानी कि 6 × 12 हो गया ना। यहाँ पे मैंने लिखा है 6 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 × 12, यानी कि ये कितना होते हैं? 12 होते हैं। अब आप इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा देख लीजिए। 8 × 4 = 12, 12 × 8 = 20, 20 × 10 = 32। दांतों की संख्या कितनी होती है? टोटल 32 होती है ना। तो आ गया ना,
आपको ये याद रखना है कि कृंतक दांत कौन से हैं, रदनक कौन से हैं, अग्र चवर्णक और चवर्णक। अब मैं बताती हूँ कि अग्र चवर्णक और चवर्णक में अंतर क्या है, जब दोनों का कार्य पीसने का ही होता है। देखिए, जो अग्र चवर्णक होते हैं ना, कुछ वो दांत कुछ इस प्रकार से होते हैं, यानी कि उनका जो डिवीजन हुआ होता है वो दो भागों में बटे होते हैं। लेकिन अगर आपको चवर्णक मिलेगा तो वो और चौड़े चौड़े होते हैं और कुछ चार भागों में इस तरह बटे होते हैं। ये आपका होता है चवर्णक और ये होता है अग्र चवर्णक। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दंत सूत्र की। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है मैम? क्योंकि दंत सूत्र जो होता है बहुत सारे एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं। तो बच्चों में दांतों के सूत्र क्या होते हैं और जो एडल्ट होते हैं जो उनके अंदर दंत सूत्र क्या बनता है, तो देखते हैं। दूध के दांत जो बच्चों में होता है, मैंने कल बताया था हमारे मानव में दो बार दांत निकलते हैं, एक बार दूध के दांत यानी कि टेम्पररी टीथ होता है और अस्थायी दांत बोलते हैं, और एक होता है अस्थायी दांत जिसे हम परमानेंट टीथ कहते हैं। तो सबसे पहले हम दूध के दांत के बारे में बात कर लें। दूध के दांत यानी बच्चों में जो 6 से 8 वर्ष तक रहता है उनमें उनकी संख्या कितनी होती है, टोटल 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। यानी कि कैसे हो गया, देखिए 21 02 21 02 कैसे हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये दो जो है ना, जो दो लिखा गया है ये है आपका इंसीजर। क्या है? इंसीजर। एक जो लिखा गया वो क्या है? कैनाई। क्या है? कैनाई। और जो जीरो है ना वो प्री मोलर है। क्या है? प्री मोलर, पीएम। और जो दो लिखा गया है ना वो है मोलर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब जो ऊपर नीचे दो लिखा गया है तो इंसीजर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है ना। कि 2 और 2 ऐड करिए 4, और 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा कि नहीं होगा? अब देखिए कैनाई यानी कि रत्नक कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। प्रीमोलर नहीं होता है बच्चों में, जो होता है प्रीमोलर की संख्या नहीं होती है। तो उसके बाद मोलर देख लेते हैं। मोलर भी कितना होता है? 8 होता है। अब जोड़ लीजिए इसको, कितना हो गया कि नहीं? 8 8 16 4 20 हो गया कि नहीं? टोटल संख्या 20। समझ में आया ये सूत्र? ये सूत्र कैसे निकला है? नहीं आया, एक बार और देखिए। जो 2102 है, 2102 याद रखिएगा, 2102 किस में होता है? बच्चों में होता है। ये जो 2 2 है ना वो इंसीजर के लिए है यानी कि कृंतक के लिए, 1 1 जो है वो रदनक के लिए, 0 जो है अग्र चवर्णक के लिए, और 2 जो है चवर्णक के लिए होता है, और 2 से मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने 20 ला दिया है ना। उसी तरह अस्थायी दांत जो हमारे अंदर प्रेजेंट होता है, जो एडल्ट में पाया जाता है, 21 23 21 23 21 23 अपन में 21 23 याद रखना, 2102 अपन में 2102 क्या होता है? वो होता है दूध के दांत का सूत्र। और 21 23 21 23 कितना होता है? टोटल आ जाएगा आपका 32। आप करके देख लीजिए। चलिए, जो 2 है वो किसके लिए है? वो इंसीजर यानी कि कृंतक के लिए है। 1 1 किसके लिए है? रदनक के लिए है। 2 2 जो किसके लिए है? अग्र चवर्णक के लिए, अग्र चवर्णक के लिए। और 3 3 किसके लिए है? चवर्णक के लिए। 2 2 4 4 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 1 1 2 2 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, बिल्कुल। 2 2 4 और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका भी 8 आ जाएगा। और 3 3 6 6 2 12 यानी कि आ गया ना आपका 32। आया कि नहीं आया समझ में? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यही हमको आज सीखना था कि दांत के प्रकार क्या होते हैं और दांत का सूत्र क्या होता है। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।